फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही आसान डिज़ाइन, सिर्फ टू रो में, दो ही सिलाई में बन जाएगी। बनानी आपको चार सिलाई होगी एंड बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन गाइस, बहुत ही आसान भी डिज़ाइन है। और इसे बनाने के लिए आपको 5 + 2 + 2 = 4, मतलब 10 के मल्टीपल में मान लीजिए लेबर के बन जाए, मतलब कितने भी आपके फंदे हो। फंदे तो दो चार को प्रोजेक्ट तो बनता नहीं है, 80, 90, 100 जितने भी प्रोजेक्ट आपके होंगे उतने प्रोजेक्ट में आपका यह डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो चलिए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कलर हमने यहाँ पर लगा लिया। कलर लगाने के बाद राइट साइड से कलर लगेगा। कलर लगाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच फंदे, एक हम और बना रहे हैं, पांच ही फंदे बनेंगे। ये हम साइड के फंदे हैं, एक इधर एक्स्ट्रा, एक इधर एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी पांच फंदे आपको बुनने हैं। दो फंदे आपको स्लिप करने हैं, फिर दो फंदे बुनने हैं, फिर दो फंदे स्लिप करने हैं। यही पांच फंदे और छः पाँच ग्यारह फंदे यही आपको बार बार रिपीट करनी है। जैसे फिर से आप जब शुरू करोगे तो पांच फंदा बनाओगे रेड कलर से, मतलब सीधा दो फंदा स्लिप करोगे, फिर दो बनाओगे और फिर दो स्लिप करोगे। तो ये आपको बार बार रिपीट करना है। इसके बाद उल्टे की तरफ, अब देखिए, पहले फंदे को आप ऐसे ही धागा पीछे, जो पांच फंदे हम सीधा बुने हैं उसे उल्टे की तरफ से भी हमें सीधा बुनना है। ये धागा आगे करेंगे, जो स्लिप वाले फंदे हैं उसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो बुना वाला फंदा है उसे फिर से हम बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम बुन लेंगे। अब देखिए, ये दो सिलाई हमारी एक कलर से कंप्लीट हो गई है। अब आइए थर्ड रो। थर्ड रो बनाएंगे सफ़ेद कलर से। फिर से कलर को चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो पांच फंदे हम यहाँ पर बनाए हैं सिंपल सीधा, उसे हम सीधा ही बुनेंगे। दो दो सिलाई हमको बुननी है, दो रेड कलर से, दो व्हाइट कलर से। यही चार सिलाई की डिज़ाइन है ये। हो गई। अब देखिए, फिर से हमने सीधा बुना। अब देखिए, पीछे जाएंगे, अब पहले फंदे को इस सिलाई में लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये दो फंदे आगे से लेंगे ऐसे, ये तो पहले ये फंदा बुनेंगे, फिर ये दो फंदा बुनेंगे। अब इधर से क्या करेंगे, अब ये दो फंदे पहले सिलाई में लेंगे, इसे स्लिप करेंगे, इसे इधर लेंगे, ये दो पहले, ये। इसके बाद सारे फंदे को यही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमको करनी है। हो गया थर्ड रो। तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई। चौथी सिलाई सारे फंदे को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, ये। हो गया फोर्थ रो कंप्लीट हो गई और डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से देखिए, हम अपना दूसरा रेड वाला कलर लगाएंगे, पांच फंदा बुनेंगे, दो स्लिप करेंगे, फिर दो बुनेंगे, फिर दो स्लिप करेंगे, फिर पांच बुनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। यही चार सिलाई आपको बार बार रिपीट करना है, कुछ भी चेंज नहीं। देखिए, आप कमेंट करते हो कि पूरा तो बताया ही नहीं, यही डिज़ाइन है। जिस डिज़ाइन को हम बता दें कि आपको यही बार बार रिपीट करना है, तो जैसे पहले सिलाई से हम शुरू करते हैं वैसे ही आप दोबारा से शुरू करोगे तो सेम। तो एक सिलाई आप और देख लीजिए, हो सकता है आपको न समझ में आए, जो सब बिगनर्स हैं उनके लिए। तो देखिए, जब फिर से आप दूसरा पैटर्न शुरू करोगे तो फिर से आपको वही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो पहली सिलाई में हमने आपको क्या बताया था कि पांच फंदे आप बुन लीजिए, तो पांच हमने बुन लिया, एक एक्स्ट्रा है, दो आपने स्लिप करना है, फिर से दो बुनना है,
फिर से दो स्लिप करना है, फिर से बुनना है। ये आपका दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न मैंने आपको बताया, जैसे सेम टू सेम आपको वैसे करना है। देखिए मैंने कुछ चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। अब उल्टे की तरफ जब जाओगे आपको ये जैसे इधर मैंने बनाया है इसको बुनना है, इसे स्लिप करना है, इसे बुनना है, इसे स्लिप। जब फिर से आओगे तो आपको सफ़ेद कलर लगाना होगा, यहाँ तक आपको बुनना है, यही आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना है। बस यही चार सिलाई जब आप बार बार रिपीट करोगे तो आपका पैटर्न ऐसे कम्प्लीट होगा। ये देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हो। ये तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।